व दिगर जिम्मेदारान व मेरे इस्लामी मुकद्दस माँ और बहनों, अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نتخت تاج نسيم و بحر کی بات کرو نتخت تاج نسيم و بحر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر بشر کی بات کرو حجر کے روپ میں یا کو حجر نہ کہو حجر کے روپ میں یا کو حجر نہ کہو بشر کے فیس میں لا کر بشر کی بات کرو اور سمجھ سکے نہ جو اسرار ہے کہ کوئی مثلی سمجھ سکے نہ جو اسرار ہے کہ کوئی مثلی وہ کم نظر ہے کسی دیدہ برا کی بات کرو اور میری امام فرماتے ہیں نعمت ایمان کا تصدق و زیشان کیا نعمت ایمان کا جسم تو وہ زیشان کیا سادھا ہی نیشی رحمت کا قلب لان کیا اور میری امام فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رہا خیر کا انہیں جانا انہیں مانا نہ رہا خیر کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آیا اور میری امام فرماتے ہیں اور اوپر میرے آقا کی عنایا یا صحیح اور اوپر میرے آقا کی عنایا یا صحیح سب تو مدینے پہنچے جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل کر آیا سارا سامان گیا میری ملت کے نوجوان میں نے جس آیت مبارکہ کے ایک چھوٹے سے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آئیے اس کا ترجمہ پیش کیا نسبت پڑھتے ہیں اور جوش محبت کے ساتھ سرکار یاری مطابع احمد مطابع شفیر شمار کے دربار بار بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ آدم شریف کا مرگوانا روی شفیر پڑھے بابا سوال اللہ 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 علیہ وسلم نبی کا یوار نمتی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ملت کے نوجوانوں میں نے آئی آئی اپنا موضوع بنایا ہے اس میں خالی کی کائنات اشارہ فرماتا ہے لا ارل الہدہد تدبہ ہوا میں ہدہد کو نہیں دینے کا یعنی ہدہد مجھے دکھائی دے رہا ہے ہدہد مجھے نظر نہیں آیا پیارے یاری آج میں آپ کے سامنے وہ بیان تقریر کروں گا کہ پورے آٹھ مہینے سے اب تک میں نے وہ بیان آپ کے سامنے نہیں کیا نیا ہے میری طرف آپ نے سنا ہوگا بار بار لیکن میں نے ابھی تک نہیں سنایا ہے انیس کے فارغ والی آیت مقدسہ کا یہ حصہ لا ارل الہدہد میں ہدہد کو نہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا اور کلام مقدس میں نقل فرمایا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا ارل الہدہد
मैं आपको बताऊं, बुद्ध बुद्ध एक परिमले का नाम है। किसका नाम है? एक परिमले का नाम है। प्यारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकद्दस व मोहतरम व मुअज्जम व मुअज्जज नबी हैं, जिनको कलिमा कायनात नबुव्वत नबुव्वत के साथ साथ बादशाह किया गया था, बादशाह किया था। और प्यारे यारे कैसी बादशाह के रूए समी पर ऐसे बादशाह ऐसे बार बार देखने को नहीं मिलते, जैसे बार बार अल्लाह अपने प्यारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अता किया। यही पर एक बात मैं बताता, पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये जनरल नॉलेज है, चार बार बार ऐसे गुजरे हैं कि जिनको खाली कायनात पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत अता किया। कितने बादशाह है? आज एक साहब तवज्जो दे, वैसे नहीं रहे मुझे अभी भी परवाह नहीं है, समझ पाए मेरी बात को बहुत तवज्जो से, इसलिए कि आप घर पर प्रोग्राम है, आप ही तवज्जो ना देंगे तो कौन देगा? लाज के लिए लाज, ये तो सबके लिए लाज है, लेकिन आप आइए लाज पूरे वर्ल्ड के आगे क्या नहीं बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी हुकूमत पूरे वर्ल्ड पर पूरे दुनिया पर, वो कितने हैं? चार बादशाह। दो बादशाह काफिर हैं, दो बादशाह मुस्लिम। काफिरों में नाम आता है, आप जानते होंगे नमरूद का नाम आता है, वो नमरूद कि जिसको लगभग 1000 साल या 900 साल अल्लाह ने उम्र अता फरमाई थी और 800 साल उसने पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत की, 400 साल बड़े बड़े आठ साल की और 400 साल इस तरह की कि दुनिया की कोई कोई लकड़ उठाई ऐसी नहीं थी जो उसका मुकसद नहीं है। कैसे है कि उसके भेजे में मच्छर जो घुसा था ना, भेजे में हजार मच्छर जो घुसा था ना, उसमें 400 साल जिंदगी उसकी बेबेदगी का दिया। इतनी बड़ी बात अदा की तो वो मगरूर हो गया, तकबीर हो गया और उसने अपने आप को खुदा कहलवा लिया। ये और दूसरा बादशाह आपने सुना होगा शद्दार, जिसने अदन की जंगल में जन्नत बनवाई। क्या बनवाई भाई? जन्नत। और जन्नत बनवाई उसने, लेकिन एक मजलूम यतीम की आह है उसका प्यारा बराबर, एक मजलूम की आह है उसका प्यारा बराबर बराबर। वो कैसे है ये बता दो कि उसने पूरी दुनिया के लोगों के पूरी दुनिया की औरतों के जेवरात छीना और छीनने के बाद जन्नत को बगाने में लग गया। फिर एक यतीम बच्चा था जिसके गले में एक हार था, उसके कारनामों ने उस हार को छीनना चाहा। उस यतीम ने एहतजाज किया, अपने हार न देने की कोशिश की। जब जब एहतजाज आज सक्सर सदा हुआ, कामयाब हुआ, रब की बार में हाथ आता दिए, यतीम तो पहले से था, बाबा पास आया था, सब कुछ चुका था, यतीम ने हाथ आए मजलूम को आगे आगे प्यारे यारी आ रहा था, कभी भी साजा न बनना मजलूम को अल्लाह, इसलिए के मजलूम की आसमान को हिला दिया है और बुरा जाने पहला हरा भरा जाता है। शक्कार साली वो यतीम मजलूम हुआ, जब जब हार आना उसने रब की बारगाह में दुआ की, ए मौला मैं तो पहले भी से यतीम था, मैं मां बाप के लिए तरस रहा, अपने मां के लिए तरस रहा, अपने भाई भाइयों के लिए
बरसता रहा, या करीना रिश्तेदारों के लिए बरसता रहा, मौला होना इस सब से मैं दूर हो गया, बाप ने मुझे ले लिए, मेरी बाप भी ने ले लिए, मेरी बहन ने मुझे ले लिए, मेरे बाप भी मुझे ले लिया, मौला ये लेके ये हार आ रहा था चाचा, इस जालिम सच्चा था, इस हार को भी मुझे छीन लिया, ए रब कदीर अब मेरे पास क्या रह गया है, ए रब कदीर अब मेरे पास क्या रह गया है, यदि एक हाथ ले 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 इसको भी किसी जालिम ने छीन लिया, कसमत खुदा की रिवायत में आता है उस वजवज के तीन दिन बाद तो प्यारे यारे एक बार बार नबूवत एक शख्स जिनकी पूरी वर्ल्ड में हुकूमत बन समझ भाई तवज्जो करो काम बात है इंशाल्लाह बताऊंगा कुरान बात में इजाफा होगा दो बार शब्द हर युग में कौन से एक तो सिकंदर सुल्तान नहीं सुल्तान नहीं इसका लुका लगान सुल्तान नहीं सोल के बारे में और दूसरे बारे में सुलेमान बादशाह पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड पर मत लेकिन प्यारे आरे इन दो को जो आप आपके निकले लिया दो जुकर नए नए तो करार रखो वो मुस्लिम के लेकिन इन तीनों से ज्यादा ताकि बढ़ाने वाली वाली खाली 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 ना ना हजरत सुलेमान अलैहि सलाम अल्लाह की अब मैं बताता हूं आपको हजरत सुलेमान अलैहि सलाम कहां को जलवा पाते मुल्क के शाम का जलवा पाते कहां बात तवज्जो करें देखे देखे लिपे दो में और करें मुल्क के शाम का जलवा पाते हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने जब मुल्क के शाम है बैत अल मुकद्दस की तामीर की और तामीर से फारिग हुई समझ भाई भाई बैत अल मुकद्दस का जो मुसलमान वाला पुराना क़िबला है ला सत्रह महीने बैत अल मुकद्दस की तरह तरह हमने मस्जिद के नमाज पढ़ी हमारा क़िबला है कि नहीं है हमारा हमारा अहला किला काबा फिर दूसरा किला बैत अल मुकद्दस फिर मौजूदा किला फिर काबा ये तो हमारा मकद्दर है मुस्तफा के सत्ते में कि हमें सारे किलों की सारे किलों का शर्त हासिल हो गया समझ पाए बैत अल मुकद्दस का भी और मौजूदा किला जो काबा बना है उसका भी तो प्यारे सुलेमान अलैहि सलाम जब बैत अल मुकद्दस की तामीर की और तामीर से फारिग हुए फारिग होने के बाद अपने पूरे लश्कर को इकट्ठा किया मैं आपको बताऊं आप हुकूमत किस किस पे थी सारे नाथ का आपकी हुकूमत थी सारे तारे पर 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 आपकी हुकूमत थी और प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम से हरम शरीफ यानी काबा में पहुंचा
पहुंचा दिया, मक्का मोहरम मुहर्रम पहुंचा दिया। प्यारे रिवायत में आता है कि मक्का मुहर्रम मक्का मुहर्रम और उनकी शाम बैतुल मुकद्दस की काफी पूरी है, बहुत दूर का फासला है। और इस रिवायत में इस्लाम के तक को बुला के हमारे एक खान की आन अल्लाह शरीफ में पहुंचा दिया। रिवायत में आता है मेरी मिल्लत के नौजवानों अल्लाह के नाम से सिदा किया करते थे, एक तवील मुद्दत जब हो गई उसके बाद बयान लगाते हैं हर सुलेमान अलैहि सलाम और हवा आचा करते हैं कि अब हमें हमें उनके यमन के दर दर जाना चाहिए। हवा आचा किया हर सुलेमान अलैहि सलाम ने हवा ने एक कान की आन में आपको और आपका को यहाँ की सब घर की बराबरी है, सब घर की बराबरी है, घर की बराबरी है। कौन देखा देखा पानी मर जाता खुद खुद देख देख कहा उस मुल्क यमन के बाप में उस परिवार का दिल भी खुश हो गया, की बराबरी का हालात पर बड़े बड़े से नहीं देखते मौजूदा भी जैसा
सच्चाई है यूपी यूपी मैं ये कह रहा था अपनी भी मोहब्बत होती है समझ वो तो अपनी बराबरी का था घर की बराबरी का था जब मैं कटना कटना रहता था अगर कोई गाड़ी देखती उसे दूर भी लिखा हुआ था तबियत करती थी गाड़ी वाली बन जाता तो उस पर वो चला गया हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का परिंदा चला गया उसके पास उस आग में बैठे हुए परिंदे ने पूछा भाई आपका नाम क्या है बोले मेरा नाम है याकूब कहा हजरत सुलेमान अलैहि सलाम क्या बोले कहा याकूब भाई ये बताओ क्या है कहां से हो बोले मैं मुल्क की शान से आया हूं अपने बादशाह हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के साथ में ये बताओ क्या है सुलेमान अलैहि सलाम बोले अरे अरे वाले भाई इधर आए थे ये अल्लाह के वो मुकद्दस नबी है किसी नाम पर अल्लाह ने नाम किया है पानी पर कोई इनके नाम किया है तरी तरी को इनके नाम किया है और हर चीज पर अल्लाह ने नाम किया है और सबसे बड़ी बात बात है बोले मैं बताऊंगा इस मुल्क के बारे में इस मुल्क में बिलकीस नाम की बच्चों पर बिलकीस नाम की एक औरत है और अल्लाह ने उसे वो परिमले ने बाग में बैठे हुए हुदूद ने कहा कि ये बताओ मेरे साथ आज तुम चलने के लिए तैयार हो मैं तुम्हें पूरा मुल्क पूरा मिलवा दूंगा हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने हुदूद ने कहा कि भाई मेरे नबी हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की नमाज असर का वक्त हुआ जा रहा है और मेरा काम ये है कि जब वो पानी पानी की जरूरत होती है तो पानी बताने आए मैं नाम लूं अगर अगर उन्होंने नहीं पाया तो उस बाप ने बैठे हुए परिंदे ने कहा कि भाई अगर वो अच्छी भी खबर पर नहीं है तो तुम पे नाराज नहीं होंगे चलो अच्छी खबर सुनेंगे तुम क्यों नाराज नहीं होंगे चलो आखिरकार दोनों परिंदे दोनों उड़ गए और पूरा उड़के क्या मजा देखते पूरा उड़के क्या मजा देखते बिलकीस ही हम पर महल जो महल था और उस महल के अंदर महल उस महल के अंदर महल उस महल के अंदर महल यानी सात महल छह महलों के अंदर एक महल था और उस महल में एक तख्त था जिस तख्त पर बिलकीस बैठे हुए हुए और हर महल के दरवाजे पर बिलकीस तक पहुंचना आसान नहीं था बहुत मुश्किल था प्यारी आ रही बात मानी जाइए ये तो उड़ गया जब ये उड़ गया इधर इधर सुलेमान अलैहि सलाम की नमाज जरूर सख्त सजा दूंगा या मैं उसको ही बात
या मैं उसको जिबा कर दूंगा या सख्त सजा दूंगा। कसम खाली अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और उसके बाद एक किताब परी बना था, उसे उड़ाया